हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। सो यार, इस वीडियो में हम लोग कवर करेंगे बेस स्ट्रक्चर क्या होता है सी प्लस प्लस का। ओके, बेसिक प्रोग्राम क्या होता है सी प्लस प्लस, हम लोग सी प्लस प्लस में बेसिक स्ट्रक्चर कैसे लिखेंगे। ओके, और सारा डिटेल में हम लोग समझेंगे कि कौन सा टर्म्स क्या होते हैं, ठीक है, उसको क्यों यूज़ करते हैं हम लोग सी प्लस प्लस में। ओके, सो अगर यार आप प्रीवियस वीडियो नहीं देखे हैं, आप जिसमें मैंने बताया था कि कैसे हम लोग वीएस कोड को इंस्टॉल कर सकते हैं अपने विंडोज़ में। ओके, और मैंने उससे पहले भी सी प्लस प्लस का एक बेसिक इंट्रोडक्शन दिया था, अगर वो नहीं देखे हैं और अगर आप इस प्लेलिस्ट को एक्सेस नहीं किए हैं और बुकमार्क नहीं किए तो काइंड रिक्वेस्ट है कि उसको बुकमार्क जरूर कर लीजिएगा। ओके, और सेव कर लीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। ओके, सो यार, इस वीडियो में हम लोग कवर करेंगे बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ सी प्लस प्लस। इसको मैंने एक बिल्डिंग ब्लॉक्स में डिवाइड किया हुआ है कि हम लोग सी प्लस प्लस के जो प्रोग्राम होते हैं वो किस तरीके से स्ट्रक्चर्ड होते हैं। सो यार, पहला क्या होता है कि जो पहला हमारा ब्लॉक है ना, मैंने इसको एक इसमें डाला है इंक्लूडिंग फाइल्स। पहले क्या होता है कि हम लोग फाइल्स को इंक्लूड करते हैं, ठीक है, मैं समझाऊंगा ये सारे एग्जांपल लेके और मैं स्लाइड की हेल्प से भी सारा कुछ एक्सप्लेन करूंगा। सो आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं। ओके, बी स्टेयर। सो पहला क्या है, इंक्लूडिंग फाइल्स। हम लोग कुछ फाइल्स इंक्लूड करेंगे और वो फाइल्स कौन से होंगे, क्यों फाइल्स इंक्लूड करेंगे, वो अभी हम लोग देखेंगे। अभी हम लोग समझते हैं क्या होता है। दूसरा क्या होता है, क्लास डिक्लेरेशन। क्लास के बारे में हम लोग फर्दर आगे पढ़ेंगे, ठीक है, कुछ वीडियोस बाद पढ़ेंगे और बहुत डिटेल में पढ़ेंगे। सो अभी हम लोग क्लास के बारे में नहीं जान रहे होंगे, ठीक है, अभी हम लोग क्लास को इंक्लूड नहीं करेंगे अपने सी प्लस प्लस प्रोग्राम में। ओके, सो नेक्स्ट क्या है, मेंबर फंक्शन डिक्लेरेशन। मेंबर फंक्शन भी हम लोग थोड़ी देर बाद करेंगे। ओके, इसके बाद मेंबर फंक्शन होता है और नेक्स्ट क्या होता है, मेन फंक्शन एग्जीक्यूशन। सो हम लोग जो मेन फोकस करेंगे आज के वीडियो में वो होगा इंक्लूडिंग फाइल्स एंड मेन एग्जीक्यूशन। ओके, सो हमको क्या करना है यार, हम लोग को दो चीज़ जरूरी है सी प्लस प्लस का बेसिक प्रोग्राम हमको लिखने के लिए। हमको फाइल इंक्लूड करना है, वो फाइल इंक्लूड करेंगे जो हमको मेन अपने फंक्शन में यूज़ करना है। और वो कौन कौन से फाइल होते हैं अभी मैं बताता हूँ। और ये मेन फंक्शन एग्जीक्यूशन क्या होता है, इसी फंक्शन में हमारा जो प्रोग्राम होता है, जो हमारा कोड होता है वो एग्जीक्यूट होता है। हमको क्या काम करवाना है अपने कंप्यूटर से, मेन काम जो होता है इस फंक्शन में होता है। सो मैंने एक एग्जांपल लिया हुआ है सी प्लस प्लस का, जो बेसिक्स है, एक एग्जांपल है जो मैं केवल इस इंक्लूड फाइल को इंक्लूड किया हूँ और एक फंक्शन को इंक्लूड किया हूँ, ठीक है, और उसके हेल्प से मैं एक प्रोग्राम लिखा हूँ। अभी देखते हैं क्या यार, हैज़ इंक्लूड आईओ स्ट्रीम यूजिंग नेम स्पेस एसटीडी इंट मेन, और ये ओपन ब्रैकेट है, ठीक है, फिर क्लोज ब्रैकेट है, इसको राउंड ब्रैकेट बोल सकते हैं आप लोग, और एक कर्ली ब्रैकेट ओपन है यहाँ पे, सी आउट इसको हम लोग बोलते हैं इंसर्शन। ओके, इंसर्शन ऑपरेटर मैं सभी बताऊंगा। फिर डबल कोट में मैं क्या लिखा हूँ, सी प्लस प्लस इज बेटर देन सी। ओके, फिर उसके बाद मैं सेम ऑपरेटर लगाया हूँ और एक इंडेल लगा दिया हूँ, इंडेल इसको ई एन डी एल, और फिर सेमी कॉलन, और फिर क्या लिखा हूँ, रिटर्न जीरो, और फिर ये जो मैं ओपन किया था कर्ली ब्रैकेट, फिर यहाँ पे क्लोज कर दिया। अब ये हुआ सी प्लस प्लस का बेसिक स्ट्रक्चर, ठीक है। अब ये क्या लिखा है, क्यों लिखा है, मैं अभी वन बाय वन सारा एक्सप्लेन करूँगा और लैपटॉप में भी जाऊँगा, अपने कंप्यूटर में भी जाके स्लाइड की हेल्प से सारे चीज़ एक्सप्लेन करूँगा, आपको सारा पीडीएफ भी प्रोवाइड करूँगा, सो डोंट वरी अबाउट दैट। सो यार, मैं क्या बोला था कि एक मेन फंक्शन होगा जहाँ पर हमारा मेन एग्जीक्यूशन हो रहा होगा अपने प्रोग्राम का। तो जो हमारा मेन फंक्शन है ना, वो है यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, इंट मेन, यहाँ से। तो जो ये हमारा मेन है, ये मेन फंक्शन, इसी में हमारा प्रोग्राम क्या हो रहा होगा, जैसे कि हमको पता है कि कंप्यूटर एक इंसान है, ठीक है, अगर हमको अगर कोई इंसान को कुछ अगर बोलते हैं करने के लिए तो उसको सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन ही काफ़ी होता है उस काम को करने के लिए। ओके, सो अगर हमको कंप्यूटर से काम करवाना है, अपने मेन फंक्शन कुछ उसको इंस्ट्रक्शन देना है कि तुम इस काम को करो, लेट से कि अगर उसको 2 + 2 को ऐड करना है, तो उस एडिशन को परफॉर्म करने के लिए जो भी हम लोग वेरिएबल, जो भी हम लोग फंक्शन, कुछ भी हम लोग यूज़ करेंगे उसको बताने के लिए कि ये काम करो या एडिशन करो या सब्ट्रैक्शन करो, तो वो सारे जितने भी फंक्शंस और जितने भी वेरिएबल्स होते हैं ना, वो सारे कंप्यूटर को नहीं पता है, और उसको बताने के लिए हम लोग एक सेट बनाते हैं, एक फाइल बनाते हैं, ठीक है, और उसी फाइल में ये सारे वेरिएबल्स, ये सारे लाइब्रेरीज इंक्लूड होते हैं, इसी को हम लोग बोलते हैं क्या, फाइल। ओके, और इसको हम लोग क्या बोलते हैं, हेडर फाइल, बेसिकली इट इज़ कॉल्ड हेडर फाइल। सो यार, ये क्या हैज़ इंक्लूड आईओ स्ट्रीम। ये आईओ स्ट्रीम क्या है, आईओ स्ट्रीम बता रहा है कि आप इस मेन फंक्शन में इनपुट और आउटपुट दो एक फंक्शन है, वो आप इसमें परफॉर्म कर सकते हैं। बेसिकली आईओ स्ट्रीम मतलब क्या होता है, आई फॉर इनपुट और ओ फॉर आउटपुट, बेसिकली ये क्या है, आपका इनपुट आउटपुट स्ट्रीम है, इनपुट एंड आउटपुट स्ट्रीम। तो ये क्या है, मैंने बोला ना कि ये फाइल्स होते हैं जिसमें सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन, सेट ऑफ फंक्शन, सेट ऑफ
लाइब्रेरीज होंगे जो कि बता रहा हो, जो जो कि हमको सी प्लस प्लस में यूज़ करेंगे। तो ये जो आयो स्ट्रीम फाइल है, ये फाइल क्या है कि ये इनपुट और आउटपुट हमारा फंक्शन कर रहा होगा सी प्लस प्लस में, ठीक है। तो जब इस फाइल को हम लोग इंक्लूड करेंगे अपने सी प्लस प्लस में, तो ये इनपुट और आउटपुट वाला फंक्शनैलिटी हम लोग यूज़ कर पाएंगे। ओके, सो किसी भी फाइल्स को यूज़ करने के लिए, किसी भी हेडर फाइल को यूज़ करने के लिए हम लोग एक प्री प्रोसेसर एक वर्ड यूज़ करते हैं, दैट इज़ कॉल्ड हैज़ इंक्लूड। ओके, ये हैज़ इंक्लूड क्या है, अगर हमको कोई भी हेडर फाइल यूज़ करना है तो हम क्या करेंगे, हैज़ इंक्लूड, और वो हेडर फाइल का नाम लिख देंगे एंगुलर ब्रैकेट में। ओके, सो आई होप आपको ये पहला लाइन तो क्लियर हो गया होगा अच्छे तरीके से कि ये पहला लाइन का मतलब क्या है। ये पहला लाइन क्या है हमारा यार, ये फाइल को इंक्लूड कर रहा हैज़ इंक्लूड आयो स्ट्रीम। आयो स्ट्रीम क्या है यार, आयो स्ट्रीम एक हमारा फाइल है दैट कंटेन इनपुट एंड आउटपुट स्ट्रीम, और इनपुट और आउटपुट स्ट्रीम है तो ये बता रहा होगा हमारे मेन फंक्शन में कि तुम इनपुट और आउटपुट काम को परफॉर्म करो, आउटपुट लो, आउटपुट दो या यूजर से इनपुट लो। तो इसका मतलब ये हुआ। अब ये क्या है यार, सेकेंड लाइन क्या लिखा है इसमें, ये सेकेंड लाइन यूजिंग नेम स्पेस एसटीडी। तो यार यूजिंग नेम स्पेस एसटीडी क्यों हम लोग यूज़ करते हैं और क्यों यूज़ करते हैं मैं बताऊंगा, इसके बारे में थोड़ा सा देर में बात करेंगे, ठीक है। क्या होता है, अब बात कर लेते हैं हम लोग इसमें इंट मेन, और ये क्या है, ये फंक्शन है, बेसिकली क्या है, फंक्शन है, और फंक्शन अभी हम लोग आगे वीडियो में पढ़ेंगे फंक्शन क्या होता है, ठीक है। सो क्या होता है यार कि जो हमारा मेन फंक्शन होता है ना सी प्लस प्लस में, मेन फंक्शन बहुत ज़रूरी है, मेन फंक्शन होना चाहिए सी प्लस प्लस में, ये मस्ट है। अब क्या यार, ये कर्ली ब्रैकेट्स ओपन हुआ, अब जो इसके अंदर जो भी हम लोग लिख रहे होंगे ना, ये हमारा एग्जीक्यूशन पॉइंट है, ठीक है, हम लोग क्या कराना चाहते हैं अपने कम। सो क्या यार, ये सी आउट, सी इसको सी ओ आउट इसको हम लोग पढ़ते हैं सी आउट। ओके, तो ये क्या है यार, एक आउटपुट, जो मैंने बोला था ना इस आयो स्ट्रीम फाइल में इनपुट और आउटपुट हमारा स्ट्रीम होगा, तो जो आउटपुट देने का काम होता है प्रिंट करने का, वो सी आउट का काम होता है, ठीक है, सी आउट। तो ये सी आउट जब हम लोग मेन फंक्शन लिखे तो हमारे कंप्यूटर को समझ में आ गया कि सी आउट मतलब हमको कुछ प्रिंट करना है, और वो कैसे पता चला उसको कि प्रिंट करना है, इस आयो स्ट्रीम नाम फाइल से, ठीक है, क्यों, क्योंकि इस आयो स्ट्रीम जो फाइल है उसमें ये इंक्लूड है, ये लाइब्रेरी इंक्लूड है कि तुमको इनपुट और आउटपुट काम करना है, समझ में आ रहा है। सो ये सी आउट हो गया। अब प्रिंट करने का जो बेसिक तरीका होता है, कैसे हम लोग करते हैं, सी आउट दो एंगुलर ब्रैकेट ओपन करेंगे, इसको बेसिकली इंसर्शन ऑपरेटर, इसको हम क्या बोलते हैं हम लोग, इंसर्शन ऑपरेटर। ओके, इंसर्शन ऑपरेटर, और हम लोग जो भी अपने डबल कोट में लिखेंगे, ये जो डबल कोट है इसमें हम लोग जो भी लिखेंगे ना वो एज इट इज प्रिंट हो जाएगा, ये मैं करके दिखाऊंगा, अभी हम लोग VS कोड में करेंगे, अभी हम लोग केवल बेसिक स्ट्रक्चर जान लेते हैं कि सी प्लस प्लस में क्या होता है, टर्म्स क्या होते हैं, ठीक है, उसका मतलब क्या होता है वो अभी हम लोग समझेंगे, ठीक है, बाकी डिटेल में तो धीरे धीरे सब जानेंगे। अब ये क्या हो गया हमारा, क्या होगा, ये यही प्रिंट होगा, ठीक है, जो सी प्लस प्लस इज बेटर देन सी हो गया, यही प्रिंट होगा। क्यों, कैसे पता चला कि प्रिंट होगा, क्यों, क्योंकि यहाँ पर सी आउट स्टेटमेंट आ गया, ठीक है। अब देखते हैं, यहाँ पर इंसर्शन ब्रैकेट आ गया, ठीक है, ये हो गया। अब ये इंडेल का मतलब क्या है यार, इंडेल और सेमी कॉलन, मैं बता दूँ कि जो सेमी कॉलन होता है सी प्लस प्लस के सारे स्टेटमेंट सारे लाइन में सेमी कॉलन लगाना मस्ट है। ओके, तो इस बात का आप लोग ख्याल रखिएगा। सो इंडेल का मतलब होता है यार कि टू ऐड लाइन ब्रेक, अगर हम लोग इसको नहीं लिखते हैं, इसको हम लोग नहीं लिखते हैं, ठीक है, लेट से इसको मैं नहीं लिखता हूँ और मैं यहीं पर सेमी कोलन लगाता हूँ, तो भी ये स्टेटमेंट सही है, लेकिन अगर मैं दूसरा स्टेटमेंट सी आउट करना चाहूँगा, कोई और स्टेटमेंट प्रिंट करना चाहूँगा, तो जो वो स्टेटमेंट होगा ना वो नया लाइन में प्रिंट नहीं होगा, वो क्या होगा कि यहीं से स्टार्ट हो जाएगा। तो इसलिए हम लोग इंडेल का यूज़ करते हैं कि हमारा जो नेक्स्ट स्टेटमेंट हो, नेक्स्ट जो हमारा प्रोग्राम जो हम प्रिंट करना चाहते हैं वो नेक्स्ट लाइन में स्टार्ट हो, समझ में आ रहा है। तो आपको सी आउट का मतलब समझ में आ गया। अब ये क्या है, रिटर्न जीरो का मतलब, हम कोई भी मेन फंक्शन में कोई भी सेट ऑफ प्रोग्राम लिख रहे हैं तो यार कंप्यूटर को बताना ये ज़रूरी है कि हमारा जो एग्जीक्यूशन जहाँ से स्टार्ट हो रहा है अब वो ख़त्म होने वाला है, ठीक है, वो सक्सेसफुली ख़त्म हो रहा है, यहाँ से प्रोग्राम हमारा एंड हो रहा है, ठीक है। तो ये जो रिटर्न जीरो है ना वो इसी को डिनोट करता है, समझ में आ रहा है, रिटर्न जीरो टेल्स अबाउट दैट आवर प्रोग्राम इज गोइंग टू बी सक्सेसफुली एग्जीक्यूटेड। ओके, सो ये रिटर्न जीरो बेसिकली क्या होता है यार कि ये एक रिटर्न टाइप है, ठीक है, ये जीरो को रिटर्न कर रहा है, जीरो बेसिकली मतलब कि कंप्यूटर को हम लोग ये चीज़ समझ में आ जाता है कि जो हमारा प्रोग्राम है वो सक्सेसफुली एग्जीक्यूट हो गया है। ओके, अगर हम लोग रिटर्न जीरो नहीं लिखते हैं तो क्या होगा, वो एक एरर आएगा, समझ में आ रहा है। और रही बात ये जो इंट क्या है यार, इंट इंट जो होता है एक
इंट क्या होता है, ये जो इंट होता है एक इंटीजर डाटा टाइप को डिनोट करता है, ठीक है। अब इंटीजर डाटा टाइप मतलब क्या है कि हमारा जो फंक्शन है मेन फंक्शन वो इंटीजर को रिटर्न करेगा जो कि जीरो को रिटर्न कर रहा है। ऑल राइट, सो आई होप आपको ये अंदर का समझ में आया होगा, ठीक है। अब बात रहा ये यूजिंग नेम स्पेस एसटीडी यूज करने का क्या मतलब है, तो पहले मैं बता दूंगा जो यूजिंग है ना ये क्या है, एक कीवर्ड है, समझ में आ रहा है। सी प्लस प्लस में कीवर्ड किसको बोलते हैं उसको समझने से पहले हम लोग एक वर्ड नाम सुन लेते हैं, टोकेंस। अब टोकेंस क्या होता है यार, टोकेंस आर कैरेक्टर कीवर्ड आइडेंटिफायर ऑपरेटर। सो दीज आर कैरेक्टर कीवर्ड आइडेंटिफायर ऑपरेटर, दीज आर द बेसिकली प्री डिफाइंड वर्ड विच इज़ यूज इन सी प्लस प्लस। हमको उस वर्ड के अलावा जैसे हमको यूजिंग यहाँ पे लिखे, अगर मान लेते हम अपने सी प्लस प्लस में कोई वेरिएबल इंक्लूड करना चाहते हैं तो हम लोग यूजिंग को वेरिएबल नहीं ले सकते हैं। क्यों? क्योंकि ये पहले से सी प्लस प्लस में प्री डिफाइंड है, समझ में आ रहा है। पहले से सी प्लस प्लस में यूजिंग जो वर्ड है वो प्री डिफाइंड है इसके लिए, समझ में आ रहा है। तो इसी को हम लोग बोलते हैं टोकेंस। टोकेंस आर द रिजर्व कीवर्ड, रिजर्व ऑपरेटर, रिजर्व वेरिएबल्स, रिजर्व स्ट्रिंग्स। ओके, सो टोकन आपको समझ में आ गया टोकेंस क्या होता है। तो वही जो यूजिंग क्या है, एक कीवर्ड है। नेम स्पेस क्या है यार, एक कीवर्ड है। अब एसटीडी क्या है यार, एसटीडी क्या है, एसटीडी एक आपका नेम स्पेस लाइब्रेरी है, नेम स्पेस क्लास है विच कंटेन्स सम फंक्शंस। ओके, सो इसका यूज़ करने से क्या फ़ायदा होता है, अगर इसको हम लोग नहीं यूज़ करते हैं, ठीक है, इसको हम नहीं, मैं मिटा देता हूँ इसको, तो मेरे को क्या करना होगा ना, सी आउट की जगह जितने भी हम लोग स्टेटमेंट लिखेंगे अपने मेन फंक्शन में उसके आगे हमको क्या लिखना पड़ेगा, एस टी डी डबल कोलन लिखना पड़ेगा, एस टी डी स्कोप रिजोल्यूशन। ओके, मेरे को ये लिखना पड़ेगा, जितने भी स्टेटमेंट मैं लिखूंगा मेरे को ये वाला जो है ऐड करना पड़ेगा। तो इसी को, इसी लाइब्रेरी, इसी सेट ऑफ फंक्शन को यूज़ करने के लिए यार हम लोग पहले से डिफाइन कर लेते हैं एस टी डी यूजिंग नेम स्पेस एस टी डी। एस टी डी इज़ अ नेम स्पेस, ओके, दैट कंटेन्स दिस स्कोप रेजोल्यूशन। सो आई होप आपको बेसिक स्ट्रक्चर सी प्लस प्लस का समझ में आया होगा। ओके, हैज़ इंक्लूड क्या हैज़ इंक्लूड, दिस इज़ अ प्री प्रोसेसर वर्ड विच इंक्लूड सम फाइल्स और दैट फाइल्स इज कॉल्ड हेडर फाइल्स। ओके, और हेडर फाइल्स क्या होते हैं, हेडर फाइल्स आर बेसिकली सेट ऑफ फाइल्स विच कंटेन सम फंक्शंस एंड लाइब्रेरीज विच आर इम्पोर्टेड इन सी प्लस प्लस एंड यूज इन मेन फंक्शन। हम लोग मेन फंक्शन में जितने भी हम लोग की वर्ड्स, जितने भी फंक्शंस, जितने भी यूज़ कर रहे होंगे ना, उन सबको हमको पहले से प्री डिफाइन करना पड़ता है किसी फाइल्स में, उसी को हम लोग बोलते हैं हेडर फाइल। आई होप आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा हेडर फाइल किसको बोलते हैं। सो आप लोग आयो स्ट्रीम, मैंने बताया कि आयो स्ट्रीम में क्या हमको फंक्शनैलिटी ऐड करते हैं, क्या हम लोग फंक्शन यूज़ करते हैं, इनपुट और आउटपुट स्ट्रीम, हम लोग इसके मदद से हम लोग अपने प्रोग्राम में, अपने कंप्यूटर में हम लोग यूज़र से इनपुट ले सकते हैं, आउटपुट ले सकते हैं। आउटपुट कैसे करेंगे यार, सी आउट से करेंगे। और इनपुट कैसे करते हैं, सी इन से करते हैं। मैं यहाँ बताता हूँ सी इन क्या होता है, सी इन से हम लोग इनपुट लेते हैं, अभी हम लोग डिटेल में देखेंगे, ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग अभी सारा कुछ देखेंगे, सो डोंट डोंट वरी अबाउट दैट। सो ये क्या है, आपको समझ में आया, ये हमारा मेन फंक्शन है, ठीक है, इसमें हमारा मेन फंक्शन में एग्जीक्यूशन हो रहा होगा जो भी काम करना है। सो आई होप आपको ये समझ में आया होगा। अभी हम लोग इन सारे का डिफिनेशन अभी हम लोग स्लाइड की हेल्प से अपने लैपटॉप में देखेंगे, ठीक है, और आप चाहे तो उसको एक्सेस भी कर सकते हैं टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करके। सो ऑल राइट गाइज, हम लोग आ चुके हैं अपने कंप्यूटर में, ठीक है, हम लोग यहाँ पे स्लाइड की हेल्प से जितने भी चीज़ें अभी कॉन्सेप्ट पढ़े हैं, जितने भी हम लोग डिस्कस किए हैं सारे हम लोग अभी देखते हैं, ठीक है, क्या होता है वो। सो यार बेसिक स्ट्रक्चर अब सी प्लस प्लस में, पहले तो हम, मैंने बताया कि मैंने पहले फाइल्स को इंक्लूड करेंगे, ठीक है, फिर उसके बाद क्लास को डिक्लेरेशन करेंगे, फिर क्या करेंगे अपने मेंबर फंक्शन का डिक्लेरेशन करेंगे, ओके, एंड देन आफ्टर हम लोग क्या करेंगे यार, मेन फंक्शन एग्जीक्यूशन करेंगे। ये हो गया एक स्टेप बाय स्टेप बिल्डिंग ब्लॉक जिसकी हेल्प से हम लोग सी प्लस प्लस के प्रोग्राम को लिखते हैं। ओके, सो मैंने बताया कि पहले अभी हम लोग इस वीडियो में केवल देख रहे होंगे फाइल्स को इंक्लूड करेंगे, देन आफ्टर मेंबर फंक्शन मेन फंक्शन एग्जीक्यूट करेंगे। ओके, सो यार नेक्स्ट क्या है, पहले तो हेडर फाइल क्या होता है वो जान लेते हैं यार। जैसे कि मैंने हेडर फाइल के बारे में डिस्कशन किया, तो हेडर फाइल्स कंटेन डिफिनेशन ऑफ फंक्शंस एंड वेरिएबल्स विच इज इंपॉर्टेंट और यूज इन टू एनी सी प्लस प्लस प्रोग्राम बाई यूजिंग द प्री प्रोसेसर दैट इज़ कॉल्ड हैज़ इंक्लूड स्टेटमेंट। ओके, जैसा कि मैंने डिस्कस किया अभी। ओके, सो नेक्स्ट क्या है यार, बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ सी प्लस प्लस प्रोग्राम। जैसा कि मैंने यार इसमें आप लोग ध्यान दिए होंगे कि मैंने इसमें यूजिंग नेम स्पेस एस टी डी नहीं लिखा है, ठीक है। सो लाइन वन, लाइन टू, लाइन थ्री, लाइन फोर, और इसमें आप लोग ध्यान देने वाली बात है कि हम लोग लाइन वन और लाइन टू के बीच में कितने भी स्पेस हम लोग
ऐड कर सकते हैं, ठीक है। उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा हमारे प्रोग्राम के एग्जीक्यूशन में, ओके। इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा आप 10 लाइन ऐड करें या कोई और बंदा 20 लाइन ऐड करें, सेम ही आउटपुट आने वाला है जो भी हम लोग अपने प्रोग्राम को रन करेंगे जब भी, ओके। इसमें क्या है, जब भी हम लोग यूजिंग नेम स्पेस एसटीडी नहीं यूज़ किया मैंने, तो मेरे को यहाँ पर जो भी मैं यहाँ पर स्टेटमेंट लिखा हूँ उसके आगे मेरे को एसटीडी और स्कोप रेजोल्यूशन यूज़ करना पड़ा, ओके। और नेक्स्ट देखते हैं, जो एक प्रोग्राम में लिखा हूँ इसमें क्या है कि मैं एक यूजिंग नेम स्पेस एसटीडी एक लाइब्रेरी इंक्लूड कर दिया हूँ, ओके, जो कि उसमें वो फंक्शन इंक्लूड हो गया। इससे क्या होगा कि हमको बार बार एसटीडी और स्कोप रेजोल्यूशन यूज़ नहीं करना पड़ेगा किसी भी स्टेटमेंट में। मैंने जैसे कि मैंने बताया हैज़ इंक्लूड आयोस्ट्रीम, आयोस्ट्रीम क्या है यार अभी हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक है। हैज़ इंक्लूड आयोस्ट्रीम यूजिंग नेम स्पेस एसटीडी इंट मेन सी आउट, और मैंने कॉलम में ये डबल कोट में क्या लिखा है, सी प्लस प्लस इज बेटर देन सी, ऑब्वियसली इट इज बेटर देन सी, ओके, एंड रिटर्न जीरो। हमारे यहाँ से फंक्शन स्टार्ट हुआ, मेन एग्जीक्यूशन ऑफ द प्रोग्राम, और यहाँ पे खत्म हो गया। रिटर्न जीरो टेल्स अबाउट दैट आवर सी प्लस प्लस प्रोग्राम इज गोइंग टू बी एग्जीक्यूटेड, ओके, एंड गोइंग टू बी फिनिश्ड। मतलब इट इज गोइंग टू बी सक्सेसफुली एग्जीक्यूटेड, ओके। नेक्स्ट क्या यार, लाइन वन क्या बता रहा है हमारा, इट कंटेन आयो स्ट्रीम फाइल्स विच कंटेन इनपुट आउटपुट स्ट्रीम्स विच कैन टेक इनपुट एंड एग्जीक्यूट सम आउटपुट। इसके बारे में मैंने पहले भी डिस्कस किया, ओके। एवरी हेडर फाइल स्टार्ट विथ अ प्री प्रोसेसर वर्ड दैट इज कॉल्ड हैज इंक्लूड, ओके, विच इंक्लूड दैट फाइल, ऑल राइट। नेक्स्ट क्या यार, नेक्स्ट लाइन जो सेकेंड लाइन था, यूजिंग नेम स्पेस एस टी डी, तो जो यूजिंग क्या है यार, एक कीवर्ड है, एक टोकेंस है, और टोकेंस क्या होता है यार, टोकेंस इज अ कीवर्ड, इज अ स्ट्रिंग, इज अ आइडेंटिफायर, एनी टाइप ऑफ एनी थिंग विच इज डिफाइंड इन सी प्लस प्लस, ओके। नेम स्पेस क्या है, इट इज ऑल्सो अ कीवर्ड, ओके, बट एस टी डी इज अ नेम स्पेस वेयर ऑल स्टैंडर्ड क्लास लाइब्रेरीज आर डिफाइंड, ऑल राइट, जैसे कि मैंने बताया पहले। नेक्स्ट देखते हैं लाइन थ्री, लाइन थ्री क्या है, इट इज अ मेन फंक्शन ऑफ सी प्लस प्लस वेयर एग्जीक्यूशन ऑफ प्रोग्राम स्टार्ट, ओके, मतलब यहीं से हमारा प्रोग्राम स्टार्ट होगा, और उससे पहले जितने भी हम सारे फाइल्स इंक्लूड किए, हम लोग जितने भी हेडर फाइल इंक्लूड किए, वो सारे वो हेडर फाइल्स हैं जो कि हम यूज़ करने वाले हैं अपने मेन फंक्शन में, ओके। एवरी सी प्लस प्लस मस्ट हैव मेन फंक्शन, दिस इज नेसेसरी, एंड डिफॉल्ट वैल्यू ऑफ रिटर्न टाइप ऑफ एनी फंक्शन इज इंट, ओके। अगर आप रिटर्न टाइप मेंशन नहीं करेंगे तो दैट इज़ कॉल्ड, वो डिफॉल्ट वैल्यू क्या होता है, डिफॉल्ट मतलब कि अपने आप हमारा कंपाइलर समझ जाएगा कि वहाँ पर उसका रिटर्न टाइप क्या है, इंट होने वाला है, ओके। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट फोर्थ लाइन में क्या है, फोर्थ लाइन क्या कह रहा है, सी आउट, सी आउट को हम लोग इट इज़ जनरली प्रोनाउंस एज सी आउट, ओके, सी आउट, एंड इट इज़ यूज टू प्रिंट द स्टेटमेंट, ये स्टेटमेंट को प्रिंट करने के लिए यूज़ होता है, ठीक है, आउटपुट देने के लिए होता है, जैसा कि ये इंक्लूड होता है हमारे हेडर फाइल आईओ स्ट्रीम में, और ये इसको क्या बोलते हैं यार, जो एंगुलर में है ऐसे, तो इसको हम लोग बोलते हैं दिस इज इंसर्शन ऑपरेटर, और जो ये डबल कोट क्या है यार, दिस स्टेटमेंट, द स्टेटमेंट विच इज रिटन इन डबल कोट आर डायरेक्टली प्रिंटेड, जो भी हम लोग इस स्टेटमेंट लिखेंगे ना सी आउट के अंदर, वो प्रिंट हो जाएगा। हम लोग देखेंगे यार अपने कंप्यूटर में, अपने वी एस कोड में ये सब करेंगे हम लोग, सो डोंट वरी अबाउट दैट। मैं अभी आपको बेसिक आइडिया दे रहा हूँ क्या कौन सा टर्म क्यों यूज़ करते हैं, क्या होता है, और जो इंडल होता है यार, इंडल ये सॉरी यहाँ पे स्मॉल ई होगा, तो जो इंडल होता है दिस इज यूज टू ऐड अ लाइन ब्रेक, जैसे कि मैंने पहले एक्सप्लेन किया। यार फिफ्थ लाइन क्या कह रहा है, रिटर्न जीरो, रिटर्न जीरो इट टेल्स दैट आवर प्रोग्राम इज सक्सेसफुली गेट एग्जीक्यूटेड, वो सक्सेसफुली एग्जीक्यूट हो चुका है, ओके, मेन फंक्शन से स्टार्ट हुआ और रिटर्न जीरो पे आकर खत्म हो गया, ऑल राइट। इन सी प्लस प्लस एवरी लाइन एंड विथ अ सेमी कॉलन, समझ में आ रहा है, सेमी कॉलन मस्ट है, सी प्लस प्लस में सेमी कॉलन उस प्रोग्राम की जान है, ओके, सो डोंट फॉरगेट दैट। सो आई होप आपको सारे टर्म्स एंड टर्मिनोलॉजी क्लियर हो गए होंगे एकदम अच्छे से, अगर अभी तक क्लियर नहीं हो गए होंगे। यार अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा और कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा, सो प्लीज मेक श्योर दैट यू हिट द लाइक बटन एंड ऑल्सो सब्सक्राइब।